दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज यानी 15 मार्च से नागपुर में शुरू होगी। ये बैठक 17 मार्च तक होनी है। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से 2021 में इसे टाल दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग का मेन एजेंडा लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मेन एजेंडा चुनाव नहीं बल्कि संदेश खाली की घटना है। आरएसएस के एक सूत्र ने इस बारे में डिटेल में बताया। वे कहते हैं आरएसएस दूरगामी योजनाओं पर काम करता है। लोकसभा चुनाव पर 3 साल से चर्चा हो रही है। संघ के स्तर पर चुनाव की प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी है और उसे जमीन पर भी उतारा जा चुका है। संघ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संगठन है, इसलिए सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव नहीं होता। उसे समाज में जो बदलाव लाना होता है उसकी योजना कई साल पहले बना ली जाती है। सूत्र के मुताबिक संदेश खाली के बाद दूसरा बड़ा एजेंडा राम मंदिर का होगा। इसके अलावा मणिपुर हिंसा और संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर बात होगी। बैठक में एक और बड़ा फैसला सरकार या वाहे के चुनाव पर होगा। अभी इस पद पर दत्तात्रेय होस बोले हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।